नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल मिस्टर में। यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ दोस्तों एक ऐसी आईटी कंपनीज की जिसने जब अपने क्वार्टर टू के नंबर दिए उससे बाजार इतना ज़्यादा निराश हुआ कि एक समय में स्टॉक में एक भयंकर गिरावट देखने को मिली। और जो मैं अक्सर अपने वीडियोज़ में कहता हूँ दोस्तों, और लगातार एक ही चीज़ कहता हूँ कि इन्वेस्टर के लिए सबसे अच्छा मौका जो होता है खरीदारी का वो गिरावट होता है, ठीक है। और वो निवेशक जो इस आईटी कंपनी में जब एकदम सीवियर गिरावट चल रही थी उसमें खरीदारी किए होंगे दोस्तों, मैं आपको बता दूं इतने शानदार मौके मुझे नहीं लगता विप्रो अब कभी देगा दोस्तों। लेकिन जिन्होंने भी खरीदारी की होगी वो बहुत शानदार मुनाफे में होंगे। और अब आप कह सकते हैं जिस तरह के फ्राइडे को इसकी कह लीजिए जिस तरह की इसकी चाल रही है, एक बहुत ही ज़्यादा बड़े रेजिस्टेंस के ऊपर इस शेयर ने अपनी क्लोजिंग दी है। और मुझे ये लग रहा है कि ये जो क्लोजिंग है ये अब आप ये कह सकते हैं दोस्तों कि आने वाले समय में दोस्तों ये जो क्लोजिंग है ये आने वाले समय में शेयर की जो चाल रहने वाली है उसको बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगा। दो और न्यूज़ निकल के आ रही है विप्रो के लिए, और एक न्यूज़ एक और है दोस्तों, लेकिन वो उतनी ज़्यादा रेलेवेंट नहीं गया है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, लेकिन उसकी भी चर्चा करेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा। वो निवेशक जो इसमें निवेश करना चाहते हैं, जो ये सोच रहे हैं भाई इसमें करे तो करे क्या इस आईटी कंपनी में, मुझे लगता है ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाला है। और जिन्हें ये लग रहा है कि अब तो सिर्फ तेजी हो जाएगी, मुझे लगता है उन्हें भी ये वीडियो देखना चाहिए क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसका आपको कह लीजिए पता शायद ना हो, उस पे आपको इसमें जानकारी मिलेगी। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पहली बार आए दोस्तों सब्सक्राइब का बटन दबा दें। आप ऐसा करते हैं चैनल की ग्रोथ होती है, बहुत मोटिवेशन मिलता है, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो अब विदाउट वेस्टिंग सीधा लेके चलता हूँ मैं आपको दोस्तों शेयर प्राइस की तरफ। देखिए विप्रो लिमिटेड, ठीक है दोस्तों, ये स्टॉक एक समय में भयंकर गिरावट दिखाया था दोस्तों, और लास्ट ट्रेडिंग सेशन में आप देखें तो लगभग 1% की इसमें तेजी हुई है। और जो महत्वपूर्ण चीज़ है दोस्तों वो 1% की तेजी नहीं है, वो ये है कि जो 400 रुपये का जो एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस था उसे तोड़ करके ये जो स्टॉक है ऊपर क्लोज दिया है दोस्तों। यानी जो 400 रुपये का लेवल है उससे ऊपर जाके स्टॉक ने क्लोजिंग दी है। और मैं ज़रा आपको कुछ चीज़ें समझा दूँ दोस्तों, आप देखें यहाँ पे कि अगर पिछले 6 महीने की चाल दिखाऊं मैं आपको, तो बल्कि 6 से ज्यादा अगर मैं आपको 1 साल की चाल दिखाऊं तो आप देखें स्टॉक ऊपरी स्तरों से सिर्फ एक गिरावट ही दिखा रही है। देखिए ये देखिए सिर्फ और सिर्फ आपको गिरावट दिखेगी। अब यहां से इसने कंसोलिडेशन शुरू किया था ये फेज, जो कि अब टूटता हुआ शायद आपको दिखाई देगा, ठीक है। कौन सा कंसोलिडेशन फेज की बात कर रहा हूं, आप देखें इधर ये का जो लेवल है दोस्तों, ये पूरा कहां से कहां तक, ये देखिए जो गिरावट शुरू हुई 440 था 14 जून को, और यहां ले ले आप निचले स्तरों पे 405 17 जून को। तो 17 जून को ये 405 था और वहां से आप देखें इसमें एक बड़ी गिरावट हुई और वहां पर खड़ा हुआ है 404। यानी जून से लेकर अभी तक एक बड़ा ही जहां था स्टॉक वहीं है। और अब आने वाला जो समय है वो इस बात की ओर इशारा करेगा कि यहां से स्टॉक या ऊपर जाएगा या गिरावट और शुरू होगी दोस्तों, ठीक है। विप्रो एज अ कंपनी मैं आपको समझा दूं, विप्रो एज अ कंपनी आपको समझा दूं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये थी दोस्तों कि जो यूरोप में इनका जो बिजनेस था ये बहुत जोर से प्रभावित हो रहा था, वहां से इनका बिजनेस काफी अच्छा आने वाला था। बहुत सारे इन्होंने ऐसे एक्विजिशंस कर लिए थे, बहुत सारी खरीदारी आप कह सकते हैं छोटे छोटे एक्विजिशंस किए थे जो कि अब जब फ्रूटफुल होने वाले थे, यानी जब वहां से रेवेन्यू आने शुरू होने वाले थे, बहुत बड़ी वॉर रशिया यूक्रेन की हो गई वहां पर, और अब ये समझ नहीं आ रहा था कि भी आगे अब क्या होगा। बट मैं जैसा कहता हूं तमाम निगेटिविटी जो भी प्रॉब्लम थी स्टॉक में स्टॉक प्राइस में प्राइसिंग हो गई दोस्तों, स्टॉक 350 के आसपास गया और वहां से बाउंस बैक किया और आज 400 से ऊपर ये गया दोस्तों। और अगर इसे कोई नई चाल अच्छी दिखानी दोस्तों, जब तक 440 के ऊपर ये क्लोजिंग नहीं दे देता मुझे नहीं लगता कोई बहुत बड़ी तेजी या री रेटिंग होगी, क्योंकि इसको तोड़ने के लिए इसे इसका जो ये वाला लेवल है दोस्तों इसे तोड़ना पड़ेगा और ये 460 450 के आसपास ही होगी। देखिए 460 के ऊपर ही जाना पड़ेगा इसको, इसीलिए 450 460 के बीच जब तक ये नहीं तोड़ देता कहीं कोई री रेटिंग की बात नहीं लगती मुझे, ठीक है। निचले स्तरों पे अब आपको जैसे पता होगा जो पहले रेजिस्टेंस होता है अगर वो टूट जाता है तो वापस में वो सपोर्ट बन जाता है, इसीलिए
साइकोलॉजिकली 400 तो है ही दोस्तों, एक बड़ा सपोर्ट, अभी बड़ा नहीं कहना चाहिए, इमीडिएट सपोर्ट कहना चाहिए। बट जो 390 है इस पे नज़र रखिए, 390 से 375 ये जो लेवल है दोस्तों, ये अब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। अगर इसके नीचे जाता है दोस्तों तो वापस से स्टॉक एक बहुत बड़ा गिरावट दिखा सकता है टेक्निकली, क्योंकि बहुत वीक हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे और बात करते हैं भाई कुछ न्यूज़ की, जो शायद आपको पता भी होगी बट उसकी थोड़ी सी हम एनालाइज करते हैं। देखिए, सोसाइटी जनरल बाइस 48 लाख विप्रो शेयर्स फॉर 186 करोड़ वाया ब्लॉक डील। देखिए 22 नवंबर की ये न्यूज़ है और आज है 26 नवंबर, यानी 4 दिन पहले की न्यूज़ है, और यही कारण है कि इसे जो थोड़ा बूस्ट मिला है वो इसी ब्लॉक डील से मिला होगा दोस्तों, कि 48 लाख रुपीज़ की शेयर खरीदी गई है, 48 लाख शेयर खरीदे गए हैं वोर्थ रुपीज 186 करोड़ वाया ब्लॉक डील। और भाई खरीदे गए तो बेचा कौन है दोस्तों, बेची किसने हैं आपको मैं दिखाता हूँ। आप देखें इधर, दैट पिक्ड अप फ्रेंच बेस्ड फाइनेंशियल सर्विस कंपनी सोसाइटी जनरल पिक्ड अप 48 लाख शेयर इन आईटी जॉइंट विप्रो। ठीक है, और बेचा किसने, बेचा है दोस्तों पीएनबी परिबास आर्बिट्राज ऑफलोडेड अ पोर्शन ऑफ स्टेक इन द कंपनी, यानी हमारे यहाँ की जो पीएनबी प्रभास है उसने अपना जो स्टेक है वो सेल किया है दोस्तों। तो जबकि आप देखें उन्होंने सेल किया और फ्रेंच बेस्ड फाइनेंशियल कंपनी ने खरीदारी की। ठीक है, और उस खरीदारी का एवरेज प्राइस क्या था, 387 पर शेयर, और अभी स्टॉक 400 से भी ऊपर चला गया है। ठीक है, तो ये जो आप सडन अप मूव देख रहे हैं इस न्यूज का भी हो सकता है, और 400 के ऊपर क्लोज देना इट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन। ये बात हो गई, अब चलते थोड़ा आगे। आप देखिए, इन अनदर डेवलपमेंट विप्रो लॉन्च द स्ट्रेटेजिक साइबर सिक्योरिटी कंसल्टिंग फर्म एंड कंसल्टिंग ऑफरिंग इन यूरोप। देखिए मैंने आपसे कहा था जो विप्रो है ना वो यूरोप में बड़ा फोकस कर रहा है दोस्तों, और वहाँ बहुत सारे एक्विजिशन किया, इसीलिए जैसे ही रशिया यूक्रेन वॉर हुई बहुत ही ज़्यादा अंडर ट्रेमेंडस प्रेशर विप्रो आ गया, और जिस तरह के हालात वहाँ दिख रहे हैं विप्रो में प्रेशर रहेगा अर्निंग में दोस्तों। ठीक है, नाउ द अनाउंसमेंट कम्स ऑन द हील्स ऑफ अ सीरीज ऑफ एक्विजिशन इन द कंसल्टिंग स्पेस। देखिए मैंने आपसे कहा था जो लगातार ये खरीदारी किए थे, एजाइल, कैपको, एम्पियन, एंड इज द पार्ट ऑफ फर्म्स विजन टू बिल्ड अ ग्लोबल साइबर सिक्योरिटीज कंसल्टिंग ऑफरिंग टू हेल्प क्लाइंट टू स्टे अहेड ऑफ डायनेमिक थ्रेट एंड रेगुलेटरी एनवायरमेंट। और साइबर सिक्योरिटी कंसल्टिंग के रूप में एक बहुत बड़ा नाम बनना चाहती दोस्तों विप्रो वर्ल्ड में। ठीक है, और यही कारण है दोस्तों कि अपनी रेगुलेटरी फाइलिंग में भी इन्होंने कहा है, विप्रो कंसल्टेंट लोकेटेड इन यूरोप विल वर्क विद क्लाइंट टू बिल्ड टेलर्ड स्ट्रेटेजी एंड सोल्यूशन दैट एड्रेस द यूनिक चैलेंजेस इन द मार्केट। ठीक है भाई, मतलब जो भी उनकी आवश्यकता होगी उस हिसाब से काम करके, उनके अनुसार टेलर, मतलब दोस्तों जो आपकी आवश्यकता अनुसार हो उस तरह काम करके हम उन्हें जो भी सिक्योरिटी चाहिए रहेगी या जो भी उनके रिक्वायरमेंट रहेंगे हम वो देंगे। लेवरेजिंग यूरोप्स एक्सटेंसिव ग्लोबल नेटवर्क ऑफ मोर देन 9,000 साइबर सिक्योरिटीज, और देखिए यूरोप में ना ऐसे लोगों की कमी भी नहीं है, 9,000 साइबर सिक्योरिटीज, वहाँ इतने सारे लोग हैं, तो उस चीज़ का फायदा वहाँ की कंपनी को होगा दोस्तों विप्रो को, वहाँ पे हायरिंग में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी दोस्तों। ठीक है, और आप बता दूँ ये जो तीसरी न्यूज़ थी मैं आपको बताना चाह रहा था कि जो यूरोप है दोस्तों, जो यूरोप में विप्रो ऐसी पहली कंपनी बन गई है जो वहाँ के जो एम्प्लॉय हैं उनको उनका यूनियन बनाने की इजाज़त दी है, ये कल या परसों की ही न्यूज़ है। तो देखिए ऐसे ही हो रहा है, विप्रो बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है यूरोप में लगातार एक्विजिशन में, साइबर सिक्योरिटी के फर्म में, कंसल्टिंग फर्म यूज़ नहीं करना चाहिए, साइबर सिक्योरिटी कंसल्टिंग में, और वहाँ के उस प्रकार के कह लीजिए क्लाइंट को लेने के लिए। और ये जो रशिया यूक्रेन का फेस चल रहा है यूरोप में, जो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हैं, यकीन मानिए जब ये चीज़ें ठीक होंगी विप्रो वापस से अपने पैरों में खड़ा होगा और भागना शुरू करेगा। देखिए बाजार की ये चीज़ होती है कि वो पहले जो चीज़ें रहती हैं उसे कह लीजिए डिस्काउंट कर लेता है, और जो आगे पॉजिटिव होती है उसे पहले ही आप कह सकते हैं भगा देता है। तो यही मैं आपसे कहूँगा, जब तक अगर स्टॉक जब तक गिरे नहीं दोस्तों, मुझे अभी भी विप्रो कोई बहुत बड़ी तेज़ी नहीं दिखती और ना ही बहुत ज़्यादा गिरावट दिखती, मैं ये भी बता दूँ 10-12% प्लस और माइनस ये स्टॉक चलता रहेगा, कोई बहुत ज़्यादा तेज़ी भागेगा ना गिरेगा। तो ऐसे समय में SIP मोड में एक काफ़ी अच्छी खरीदारी का मौका आपको ये स्टॉक दे सकता है दोस्तों। ठीक है, मैं फिर कहूँगा लॉन्ग टर्म के लिए सोचें प्लीज़, इसमें कोई भी कहीं से भी शॉर्ट टर्म की चीज़ें की
प्लीज आप इसके ऊपर बिल्कुल भी फोकस ना करें, ये एक लॉन्ग टर्म में दोस्तों। और मैं आप बता दूं, विप्रो आने वाले समय में, जैसे कि तमाम आईटी कंपनीज, तमाम अन्य कंपनियां बायबैक की पाले कर रही हैं, विप्रो भी बायबैक जल्द से जल्द आएगा, ऐसा मुझे लगता है दोस्तों। अगर अभी नहीं तो नेक्स्ट क्वार्टर में, वरना 2-3 क्वार्टर के अंदर आपको एक ना एक बायबैक इसकी तरफ से जरूर देखने को मिलेगा दोस्तों, ठीक है। तो मुझे लगता है यदि आप इसमें निवेशित हैं, निवेश करना चाहते हैं, ये वीडियो आपके बहुत काम आई होगी। और अगर आई है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, यहाँ तक जुड़े रहे, अपना कीमती समय दिया, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ये इस वीडियो का अंत है, जय हिंद दोस्तों।